हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम, पहलाग, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। नई सुबह के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंदन और आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं अपने ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का ऐसा सीन है, पहले जाएंगे ड्यूटी, वहां से आने के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे पूरे दिन, देखते हैं क्या सीन बनता है। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, कुछ फिक्स नहीं है, शाम को आके कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल तो हम 3 बजे तक ड्यूटी में है, तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में और इन्जॉय कीजिए चैनल को। तो दोस्तों, बड़ी मस्त सुबह, अभी 5:30 बजा है और मैं जा रहा हूँ अपने मिशन पे। वहाँ से आके लौट के फिर मुलाकात होती है आपसे और फिर इन्जॉय करेंगे। और फिर तो मैंने पहन लिया सेफ्टी हेलमेट और अब मैं निकल रहा हूँ घर से बाहर। और बाहर का कुछ ऐसा सीन है, देखिए बिल्कुल वाइटनिंग हो गई, बिल्कुल फॉग सा हो रहा है आज मौसम, और पाला पड़ के इसी धान के ऊपर बिल्कुल एक परत जम गई है, जैसे जाड़ों में पड़ जाती है ना एक परत, बर्फ की जैसी परत पड़ती है वैसी इसके ऊपर पड़ गई है, पाले की पाला पड़ गया, पूरा वाइट वाइट हो गया धान के ऊपर। बड़ा मस्त और है बाहर आज मौसम। तो चलो दोस्तों, चलते हैं और फिर मिलते हैं शाम में आपके साथ। तो गाइज, मैं पहुंच चुका हूँ घर और मैं अभी हूँ अपने फास्ट फूड सेंटर पे। मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ हो गया है, बच्चों ने नहाना शुरू कर दिया है, बारिश आने का मौसम हो गया और बच्चे सब कपड़े खुल के नंगे हो गए हैं और मौसम बड़ा बिगड़ हो रहा है। 4:30 का टाइम हो रहा है अभी और मौसम बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है। आसमान में देखो बादल पूरे भरे भरे और बच्चों का इंजॉय का टाइम, कितने मौसम बादल हैं, पूरा फुल हो रहा है, इतने तगड़े बादल है हमारे सर के ऊपर। मौसम खराब हो गया है, बहुत तेज बारिश आने लगी है, देखिए बारिश 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 बारिश। तो गाइस, बाहर लगी है बारिश और मैं इंजॉय कर रहा हूँ मक्के को, भुट्टा उबाल रखा है, बड़ा ही मजा आ रहा है। छत से गिरते पानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज बारिश हो रही है, बिल्कुल मूसलाधार बारिश चल रही है, कैमरे में कम आ रही है लेकिन बहुत तेज बारिश हो रही है।
ये तब देखिए भर चुका है। यहाँ पे एक बगुला आया है, बहुत दिनों से यहाँ घूम रहा है और यहाँ से भागता नहीं है, बहुत दिन से है यहाँ पे। बहुत ही काफ़ी समझदार पक्षी है। और देखना ये, मैं इतने करीब आ गया हूँ उसके, लेकिन ये भाग नहीं रहा, पीछे हट रहा है। ये उड़ा, अब उड़ा, और ये यहीं रहेगा, ज़्यादा दूर नहीं जाता है, फिर घूम फिर के यहीं पर आ जाता है और मैडक वैडक खाता है यहाँ पर बैठ के आराम से। बादल देखो कैसे रेड रेड हो रहे हैं, बिल्कुल रेड। जो पिछले दिनों हम जिसको सुई लगा रहे थे, तो वो आज स्वस्थ हो चुकी है। हमारा जो बकरा है वो स्वस्थ हो गया, छोटा बच्चा, और ऐसे दूध पी रहा है। दिन अब ये देखो स्वस्थ हो गया, बिल्कुल मस्त हो गया, ये काला काला। तो गाइज, मैं अपने सारे काम समाप्त करके अंदर आ गया हूँ और अभी आके मैंने डिनर कर लिया है। डिनर आके हमने कमरे में बैठा हूँ अपने, और अब टाइम हो गया मेरा इस ब्लॉग को एडिटिंग करने का। लक्षित भी अभी सोया नहीं है, घूम रहा है ऐसे कमरे के अंदर, इधर से उधर इधर से उधर। और इन सब ने हमने डिनर करने के बाद आज जल्दी अपना काम निपटा लिया था, क्योंकि बारिश हो रही थी कंटिन्यू और सामान जल्दी ख़त्म हो गया था। तो बहुत ही अच्छा काम हुआ आज, और इस काम निपटाने के बाद बहुत ही अच्छी दिल को तसल्ली होती है। मेहनत की हमने अभी 3-4 घंटे, और अब टाइम हो गया हमारा इस ब्लॉग को एडिटिंग करने का और सोने का, क्योंकि कल सुबह फिर ड्यूटी जाना है। तो आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जय श्री राम। तो दोस्तों, आप इंजॉय करते रहिए मेरा ये ब्लॉग और देखते रहिए, और लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अच्छी अच्छी चीज़ें बताइए मुझे कि क्या और क्या मैं बेटर इस ब्लॉग में कर सकता हूँ ब्लॉगिंग के लिए। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ कि आप मेरे इस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, आपसे लेते हैं विदा। तब नए ब्लॉग पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार बड़ा प्रणाम।